हेलो एवरीवन, मैं विश्वजीत सिंह आप सभी का दाई यहाँ पर स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर में हम एमए हिस्ट्री MHI 08 का लेसन 3 पढ़ने वाले हैं, जिसके अंदर में हम बात करेंगे अध्ययन स्रोत के बारे में। इस चैप्टर के अंदर में दो टॉपिक आते हैं। हमारा पहला टॉपिक रहेगा औपनिवेशिक काल से संबंधित पर्यावरण इतिहास लेखन के बारे में, और हमारा दूसरा टॉपिक रहने वाला है पूर्व औपनिवेशिक काल पर केंद्रित पर्यावरण संबंधित साहित्यों के बारे में। चलिए दोनों टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, वन बाई वन करके दोनों टॉपिक को हम आज की इस वीडियो के अंदर में कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हमारा पहला टॉपिक आता है, जहाँ पे हम बात करते हैं औपनिवेशिक काल से संबंधित पर्यावरण इतिहास लेखन के बारे में। देखो, जब हम बात करते हैं औपनिवेशिक काल पीरियड के बारे में, तो वहाँ पे मतलब ये हुआ कि हमारा गुलामी का दौर चल रहा है। उस समय हम ईस्ट इंडिया कंपनी के गुलाम हैं, ब्रिटिश सरकार के गुलाम हैं, और उस दौरान में जितने भी इतिहासकार आए उन्होंने क्या लिखा पर्यावरण से रिलेटेड, किस तरह की चीजें उन्होंने रखी। और नॉर्मली कहीं भी अगर आप पढ़ोगे ना उस टाइम पीरियड के बारे में, तो कहीं ना कहीं ब्रिटिश सरकार का पक्ष में झुकाव दिखेगा लेखकों के अनुसार। जो भी लेखक लेखन लिखे गए, जो भी इतिहासकारों ने जो भी व्यक्त किया, जो भी साहित्य लिखे गए, लेख लिखे गए, उसमें कहीं ना कहीं ब्रिटिश सरकार की तरफ झुकाव था। एक रीजन ये था कि कहीं ना कहीं दबाव में लिखवाया जाता था चीजों को, पूरी तरह से खुलकर बातें नहीं आ पाती थी, एक तरफा ही पक्ष हमें देखने के लिए मिलता है। बट आगे हम पढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या चीजें हैं, किस तरीके से चीजें आपको समझ में आती हैं। सबसे पहले हम बात करें तो इतिहासकार अजय सरकारिया के द्वारा बोला गया कि आदिवासियों तथा राज्य के मध्य पारस्परिक विरोधाभास को स्पष्ट करने की कोशिश करी। यहाँ पे इनका बोलने का ये मतलब था कि किस प्रकार से जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जब पर्यावरण कानून बनाने की कोशिश करी, पर्यावरण को लेकर जब मतभेद चल रहा था, तो मतभेद पर्यावरण को लेकर नहीं था कि जंगल के जानवर उनसे कंप्लेन कर रहे हैं, भैया शेर आ गया कंप्लेन करने के लिए कि जंगल मेरा है, जंगल का राजा हूं, कहते ये चीजें नहीं चल रही थी। जंगल में रहने वाले जो लोग थे, जो आदिवासी समूह था, उसके और राज्य के मध्य किस प्रकार की परस्पर विरोधाभासी चीजें थी, किस तरह से चीजें उलझ रही थी, उसके बारे में यहाँ पे बात की जाती है। ठीक है, तो आदिवासी और राज्य के परस्पर यहाँ पे मतभेद चलता है, उसको लेकर यहाँ पे बात की जाती है, ना कि जंगल का शेर आकर बोलेगा चीजें करेगा, वो चीजें नहीं होती है यहाँ पे। साथ साथ में ये भी देखा जाता है कि वह राज्य तथा आदिवासी राज्य के मध्य परस्पर आधारित व्यवस्था का अन्वेषण करते हैं कि किस तरीके से राज्य और आदिवासी के परस्पर जो मतभेद चल रहा है, क्या चीजें, किस तरीके की व्यवस्था है, उसके बारे में बहुत खुलकर बोलते हैं, उसके बारे में विचार व्यक्त करते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था के अंदर में राजस्व अधिकार और सत्ता के संबंधों के ऊपर में एक मिश्रित ताने बाने के रूप में जो मतलब बटे हुए हैं किस तरह से, उसके बारे में यहाँ पे बोलने की कोशिश करते हैं। राजस्व अधिकार मतलब क्या, जैसे सरकार है तो सरकार का नॉर्मली क्या काम है भैया, टैक्स वसूल करना। तो आदिवासी समूह एक ऐसा समूह है जो टैक्स नहीं देता है किसी तरीके से, उसका टैक्स के अंदर में आता ही नहीं है, ना वो आपके चीजों का उपयोग कर रहा है उस तरीके से, जंगल पे उसकी निर्भरता है, तो क्या टैक्स बनेगा, क्या रहेगा। तो वहां पर नॉर्मली उसके सत्ता का अधिकार, जो सरकार है उसके सत्ता का अधिकार, राजस्व व्यवस्था का अधिकार, और एक पूरा मिश्रित ताने बाने के अंतर्गत जो साझा रूप होता है ना, उसको किस तरीके से बटे हुए हैं सभी लोग, उसके बारे में अजय सरकारिया के द्वारा यहाँ पे व्यक्त किया गया। नॉर्मली अगर अजय सरकारिया के थिंकिंग को देखते हैं, तो यहाँ पे आदिवासी और राज्य के परस्पर जो विरोधाभासी जो चीजें चल रही थी, किस तरह से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, उसके बारे में वहां पे ये बोलते हैं। अगले यहाँ पे इतिहासकार आते हैं शिवराम कृष्णन, जो यहाँ पे 19वीं सदी के उत्तरार्ध के अंदर में ब्रिटिश सरकार के द्वारा लाए गए वन जो कानून था, उसके अंदर में सामाजिक आर्थिक और पर्यावरणीय सरोकारों से संबंधित विवाद में इतना उलझा दिया कि वो कानून तैयार नहीं हो सका। ठीक है, कानून बन नहीं सका। उन्होंने प्राकृतिक संसाधनों पर लागू होने वाले परस्पर विरोधाभासी स्वार्थ की गहन जांच पड़ताल करी कि किस तरीके से जो कानून आया जा रहा है उसके ऊपर में जो परस्पर विरोधाभासी कानून है वो लागू किस प्रकार से हो रहा है, किस क्या इंपैक्ट है, उसके बारे में इन्होंने जांच पड़ताल करी। इनका कहना था कि प्राकृतिक संसाधनों के ऊपर में अधिकार जताने वाले अनेक समुदाय हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक व्यक्ति, जैसे अब सरकार है, सरकार कह रही है भैया कि ये मेरा है और ये मेरा रहेगा, इस तरीके से सरकार अपना अधिकार जता रही है। पर यहाँ पे इनका मानना था कि प्राकृतिक संसाधनों पे अधिकार जताने वाला एक समुदाय नहीं है, आदिवासी जो लोग हैं उनका भी हक है। ठीक है, जो वहां पे रहने वाले जंगल में जानवर उनका भी हक है, जो बाकी जो आसपास में जो गांव क्षेत्र लोग हैं उनका भी कहीं ना कहीं अधिकार बनता है। तो वहां पे प्राकृतिक संसाधनों पे अधिकार जताने वाले अनेक समुदाय हैं, और उसका कानून का जो भी अंग्रेजी सरकार वो कानून लाने की कोशिश कर रही थी, उसका इम्पैक्ट किस तरीके से किसके ऊपर में क्या पड़ेगा, इसके बारे में शिवराम कृष्णन के द्वारा बोला जाता है। यहाँ पे आगे बात करोगे तो अतः राज्य को किसी औपचारिक नीति तक पहुंचने से पहले कई संभावनाओं पे विचार करना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें तो बहुत सी निजी स्वार्थ में भी इसमें शामिल हो सकते हैं जो नीतिगत मुद्दे को अपने निजी हित में करना चाहते थे। अब यहाँ पे ना नॉर्मली जैसे कानून लाया गया, तो यहाँ पे शिवराम कृष्णन के द्वारा जब उसको स्टडी किया गया सामाजिक तौर पे, आर्थिक तौर पे, पर्यावरण के सरकारों से संबंधित विवादों को जब उन्होंने समझा, तो उसके हिसाब से समझ में आया कि जो भी प्राकृतिक संसाधन है ना, उस पर किसी एक समुदाय का अधिकार नहीं है कि अंग्रेज सरकार आए बोले कि मेरा अधिकार है,
ठीक है, वनवासी आए तो बोले हमारा अधिकार, ऐसा नहीं है, ये चीजें नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ये बोला गया कि कई सारी संभावनाएं होती है जब हम किसी चीज के लिए करते हैं, किसी चीज को रूल रेगुलेशन को पास करते हैं, तो हमें हर तरह की संभावनाओं के बारे में विचार करना पड़ता है कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, किसके ऊपर में क्या इम्पैक्ट रहेगा, क्या परिणाम निकलेगा, वो सब कुछ हमें सोचना पड़ता है। ठीक है, शिवराम कृष्ण का ये मानना होता, और साथ साथ में ये कह रहे थे कि जो भी चीजें हैं ना, कहीं ऐसा ना हो कि किसी का निजी स्वार्थ इसके अंदर में शामिल हो, नीतिगत मुद्दे को निजी हित में करना चाहता हो, कुछ ऐसा बेनिफिट अपने बेनिफिट के लिए इस तरह के रूल रेगुलेशन पास कर रहा हो। और ये बिल्कुल सही भी होता है, जैसे अंग्रेजी सरकार ने जो ये कानून लाया था, वन विरोधी कानून या वन जो नीति थी अंग्रेजी सरकार की, अभी आप इस वाले MHI 08 के अंदर में आगे जब पढ़ोगे तो डिटेल में समझ पाओगे कि वन संरक्षण नीति क्या था, किस तरीके से जंगलों को बांटा गया। मेनली रीजन क्या था कि जो पूरा वो टाइम पीरियड था ना, एक बहुत क्रिटिकल टाइम पीरियड चल रहा था अंग्रेजी सरकार के लिए, जहां पे एक उद्योगीकरण का शुरुआत होता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, और भारत के जंगलों के अंदर में एक तरह से सोना था, सोना ये नहीं कि गोल्ड है वहां पे, सोना कहने मतलब पेड़ पौधे इतने महंगे और वो थे, ठीक है, जिसको उन्होंने यहाँ से ले जाकर अपने देश में यूज करना शुरू किया, उद्योगीकरण को बढ़ावा मिला एक तरह से भारत के थ्रू, ठीक है, किस तरीके से यहाँ से ले काट काट के ले गए, वो सारी चीजें यहाँ पे रहती है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है भारत के लिए। जो भारत के जो लोग थे जो जंगलों में रहते थे, आदिवासी रहते थे, उनका मेनली सोर्स था वो जंगल। और दूसरा यहाँ पे मेन रीजन क्या था कि जैसे खेतों की जो संख्या थी कम होती थी, ठीक है, उतना ज्यादा बड़ी मात्रा में खेत नहीं थे, तो जो लोग थे जिनकी निर्भरता खेत पे थी, तो अब उसको और ज्यादा बढ़ाने के लिए, अगर खेत की संख्या ज्यादा होगा आपके पास, मान लो मेरे फॉर एग्जाम्पल आप इस तरह समझो कि मेरे पास ना इतना बड़ा ही खेत है, अब मैं इतने में ही खेती कर सकता हूँ, तो अब मेरे पास खेत नहीं है, क्यों नहीं है भैया, क्योंकि इधर आसपास में जंगल है, ठीक है, तो अंग्रेजी सरकार ने क्या किया, जंगलों को काटना शुरू कर दिया है। जंगल काट रहा है तो किसका इंपैक्ट हो रहा है, तो वनवासी के जो अधिकार है उसके ऊपर में इंपैक्ट हो रहा है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उसमें रहता है। पर अब जंगल कटने से बेनिफिट क्या हुआ कि जो मेरे खेत के लिए डेंसिटी है ना, एरिया, डेंसिटी एरिया वो बढ़ गई, ठीक है, पहले मेरे पास इतना ही था, अब मेरे पास ये भी इसके अंदर में आ गया, ठीक है, तो अब मैं ज्यादा क्षेत्र में खेती कर सकता हूँ। पर ज्यादा क्षेत्र में खेती करने के कारण से क्या हुआ कि अब मैं ज्यादा टैक्स भी दूंगा, तो अंग्रेज सरकार को तो ये भी बेनिफिट हुआ, जंगल काटा उससे भी बेनिफिट हुआ, ज्यादा टैक्स दिया उससे भी बेनिफिट हुआ, पर जो वहां पे आदिवासी रह रहे थे, वनवासी रह रहे थे, क्या उससे टैक्स मिल रहा था, उसके ऊपर में क्या किसी तरह से रूल रेगुलेशन आ रहा था, पहली बात वो किसी तरह का रूल रेगुलेशन के अंतर्गत नहीं था, ठीक है, सरकार का उसके ऊपर में कोई कंट्रोल नहीं था, वो अपनी मर्जी से रह रहा था, कोई कानून नहीं, कोई नियम नहीं इस तरह से था, पर उसको एक कानून नियम सरकार के दायरे के अंदर में भी लाने की कोशिश की जाती है, जिसके अंतर्गत ये नियम कानून बनाए जाते हैं, ठीक है, समझ में आता है ये चीजें, चलिए आगे समझते हैं। पर उससे पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी व्यूवर से, अगर आपको वीडियो हमारी वैल्यूबल लग रही है, आपको लग रहा है कि आप इस वीडियो को देख रहे हो समझ में आ रहा है और आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल है, तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक एक सब्सक्राइब से, एक एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम और अच्छे से मेहनत कर सके और आपके लिए और अच्छे से वीडियो बना सके। हमारे दो चैनल हैं, द ईन अब, जहां पर आपको MA हिस्ट्री से रिलेटेड सारी वीडियो मिल जाएंगी, सारे प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन के अंदर में भी प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, और नव इन्फो, जहां पर आपको इग्नू से रिलेटेड जो भी अपडेट होता है कि क्या एग्जाम होना है, कब होना है, कैसे होना है, जो भी असाइनमेंट इग्नू, सब कुछ इग्नू से रिलेटेड आपको अपडेट टाइम टू टाइम यहां पे नव इन्फो पे मिलता जाता है। तो दोनों जगह आपको सब्सक्राइब करना है, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, पहले हम नोट्स प्रोवाइड नहीं करते थे, तो जो भी स्टूडेंट MA हिस्ट्री के हैं जिनको नोट्स चाहिए, वो डायरेक्टली गूगल ब्लॉगर पे या क्वेरा पे जाके वहां से नोट्स ले सकते हैं, दोनों जगह हम अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन के अंदर में गूगल ब्लॉगर का आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाइए, वहां से नोट्स ले सकते हो। और इस नोट्स जो भी आप इस वीडियो के अंदर में देख रहे हो ना, जिस तरीके से बना हुआ है, तीन तरीके से आपको नोट्स गूगल ब्लॉगर पर भी मिलेगा, और कुछ दिनों से जो भी हमने पीछे वीडियोस डाली हैं सबके नोट्स आपको वहां पे मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस पे करने की जरूरत नहीं है। आगे हम बात करें तो यहाँ पे रवि राजन करके एक अगले इतिहासकार आते हैं, ठीक है, इनका मानना था कि औपनिवेशिक नीति में विद्यमान आंतरिक विभाजन को समझने का प्रयास किया गया कि किस तरीके से क्या चीजें, जो औपनिवेशिक नीति बनाई गई थी ना उसके अंदर में किस तरह से क्या विभाजन किया गया, और उसको स्पष्ट रूप से उजागर करने की कोशिश किया रवि राजन ने, ठीक है। और यहाँ पे आगे हम बात करें तो अन्य जो पर्यावरण इतिहासकार थे वे वन आश्रित समुदाय परिस्थिति और तंत्र की कार्य प्रणाली तथा जानवरों के विलोपन के मुद्दों पर प्रकाश डालने का प्रयास किया, किस तरह से जानवर कम होते जा रहे हैं, विलोप किस तरह से होते जा रहे हैं, उनके जो पर्यावरण से रिलेटेड और भी क्या क्या चीजें हैं, किस तरह की कार्य प्रणाली है, उसके ऊपर में रवि राजन ने बोलने का कोशिश किया, और अन्य पर्यावरण इतिहासकारों ने भी इसके ऊपर में जोर दिया। साथ साथ में आप देखोगे तो 1920 से लेकर 1950 के मध्य में औपनिवेशिक कृषि परिस्थितियों से संबंधित मुद्दे तथा परिवर्तनशील कृषि एवं भूक्षरण से मुद्दे जुड़े हुए मुद्दे थे। इन्होंने जिस भी मुद्दे पे बात किया ना 1920 से लेकर 1950 के मध्य में, अगर आप देखोगे
तो औपनिवेशिक कृषि पद्धति किस तरह से कृषि की जा रही है, क्या दौर रहा है, ठीक है, और परिवर्तनशील भूक्षरण किस तरह से, जैसे मैंने बताया कि मेरा जमीन छोटा है, छोटे जमीन पे छोटा टैक्स दे रहा हूँ, ठीक है, कम टैक्स दे रहा हूँ, पर उस जमीन का आकार किस तरह से बड़ा हो सकता है, किस तरह से क्षरण हो रहा है, किस तरह से चीजें हो रही है, उसके बारे में यहाँ पे बात किया। परिवर्तनशील कृषि के कारण से उत्पन्न परेशानी के कारण से राजस्व तक हानि सीमित नहीं था। ऐसा नहीं था कि सिर्फ मान लो कृषि में परिवर्तन हो रहा है, चीजों में परिवर्तन हो रहा है तो सिर्फ टैक्स को नुकसान हो रहा है या राजस्व तक सीमित है, ऐसा नहीं था। उसका इम्पैक्ट कहीं अलग जगह भी देखने के लिए मिल रहा था। अब जैसे इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट देखोगे ना, तो जैसे जंगलों का सफाया हो रहा था, तो जंगलों का सफाया होने से कारण से क्या हुआ कि जो जनसंख्या थी उसमें वृद्धि होना शुरू हुआ, जंगलों का सफाया होना शुरू हुआ, जिसके कारण से अत्यधिक जो पशु चारण था ना वनों पर दबाव पड़ने लगा, ठीक है, जो वनों का दबाव होता था, जो वहां के वन में रहने वाले जो जानवर होते थे वो कभी ना कभी बाहर निकल कर आ जाते थे, लोगों पे हमला करते थे, ये भी एक इम्पैक्ट के तौर पे हम इसको देखते हैं। बल्कि इसके अंदर में केंद्र में अंग्रेजों के लिए आवश्यक लकड़ी का व्यापार और आपूर्ति आदि थे, ठीक है, यहाँ पे ये नहीं था कि जंगल के अंदर में क्या चीज हो रहा है, कृषि की भाई राजस्व कम हो रहा है, कृषि के ऊपर में ऐसा हो रहा है, कृषि का नुकसान हो रहा है, कृषि की बढ़ोतरी करनी है जिसके कारण से हमें कानून लाने की जरूरत है, ऐसा कुछ नहीं था अंग्रेजों के लिए। अंग्रेजों का मेन मोटिव क्या था कि उन्हें लकड़ी की आपूर्ति को पूरा करना था, जिसके कारण से उन्होंने इस तरह के कानून को इंट्रोड्यूस किया और इस कानून को लेकर आया और भारतीयों पर लागू किया। अतः आप बात करोगे तो अंग्रेजों ने एक व्यवस्था व्यवस्थित किया जिसमें वन संरक्षण नीति की शुरुआत करी। इसके अंतर्गत था कि वन विनाश तथा पर्यावरण शुष्कीकरण के बीच में सीधा संबंध हो, ठीक है, जिस कारण से राज्य वन संरक्षण नीति को परम आवश्यक बनाया गया। और इस नीति के तहत वन जो वनवासी थे, वन में रहने वाले जो लोग थे, वनवासी थे, उसको निष्कासित करने जैसे वाहनों को सही ठहराने का प्रयास किया गया, जबकि वनों के प्रति औपनिवेशिक नीति जो मूल रूप से आर्थिक लाभ दृष्टि से निर्धारित थी। नॉर्मली देखो यहाँ पे जब वन संरक्षण नीति को इंट्रोड्यूस किया गया, लोगों के बीच में लाया गया, तो इसका मेन रीजन क्या था कि वन का जो विनाश है उसको रोकना, शुष्कीकरण को सीधा संबंध उसमें बताया गया कि ये चीजें लॉजिक है। पर कहीं ना कहीं ये था कि उनकी जो आवश्यकता थी ना वो क्या था कि वनवासियों को निष्कासित करना, जंगलों से हटाना, ठीक है, उसको हटाने के लिए जो भी लॉजिक्स दिया गया उसको सही ठहराना, साथ साथ में जो औपनिवेशिक नीति है उसका मेन मतलब था कि आर्थिक लाभ हमें किस तरह से मिले और ज्यादा ज्यादा आर्थिक लाभ हम अपना लाभ कैसे बना सके, इसके ऊपर वो वर्क कर रहे थे और इसी के तहत उन्होंने ये नीति को लागू किए। इतिहासकार बसंत सबरवाल भी यहाँ पे कहते हैं कि उन नीतियों का विश्लेषण करते हैं जो अंग्रेजी सरकार के द्वारा लागू किया गया, जिसका पर्यावरण से संबंधित मुद्दों पर किसी ना किसी रूप से प्रभाव पड़ता था। वन संरक्षण के प्रति उनका आग्रह धीरे धीरे विकसित हुआ। यह विकास पर्यावरण से संबंधित वैज्ञानिक अनुसंधान में होने वाली प्रगति के समकक्ष रहा, ये उन्होंने मान के चले। तो बहुत सारे इतिहासकार ऐसे थे जो ब्रिटिश सरकार के दबाव में लिखते थे, जो ब्रिटिश सरकार की जो भी पॉलिसीज होती थी उसके ऊपर वो सही बोलते थे, पर वहीं पर आपको बहुत सारे ऐसे इतिहासकार भी देखने के लिए मिलेंगे जो ब्रिटिश सरकार की पॉलिसीज को वहां पे क्रिटिसाइज करते थे, उसको खुलकर विरोध करते थे, जिसके बारे में हमें अलग अलग तरीके से पढ़ने के लिए मिलता है। यही हर जगह होता है, हर टाइम पीरियड में होता है। जैसे आज की करंट गवर्नमेंट की बात करोगे तो बहुत सारी जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती है डिपेंड करता है कि आप तक, जो आम जनता है, आप तक, मुझे तक, किस तरह से वो पॉलिसी किस भाषा में पहुंच रही है। जब टीवी पे, जब हम न्यूज में सुनते हैं तो कुछ न्यूज चैनल उस गवर्नमेंट के विरुद्ध कार्य करती है, गवर्नमेंट के खिलाफ क्रिटिसाइज करने का कार्य करती है। तो जब आप क्रिटिसाइज करने वाले चैनल पे देखोगे तो आपको लगेगा इससे घटिया कानून कुछ हो नहीं सकता, अगर ये कानून पास हो गया तो आपके जीवन मतलब नर्क बन जाएगा, यहाँ पे आपके मतलब आप डायरेक्ट ना जो एकदम अंतिम लेवल पे जो होता है ना पाप का घड़ा भर जाएगा, गवर्नमेंट का पैसा लगेगा, ठीक है, आप ये सोचने पे मजबूर हो जाओगे। वहीं पर अगर गवर्नमेंट के जो सपोर्ट में हित में बोलने वाले चैनल, उनकी अगर वीडियो देखोगे, उनका चैनल सुनोगे, तो आपको ये समझ में आएगा इससे अच्छा कानून तो कुछ हो ही नहीं सकता। इस कानून से मतलब आपका पूरा जीवन परिवर्तित हो जाएगा, आप एकदम स्वर्ग लोक में डायरेक्ट पधारोगे, इंद्र जी और जो बाकी देवता हैं वो आपको डायरेक्ट आएंगे लेने के लिए, आपको ये फील होने लगेगा। तो इस तरीके से गुटबाजी देखने के लिए मिलता है और सेम चीजें आपको उपनिवेशिक दौर के अंदर में भी देखने के लिए मिलता है, जहां पर कुछ जो इतिहासकार थे, जो विचारक थे, उन्होंने उन नीतियों का खुलकर समर्थन किया, उनके पक्ष में लिखा जो लोगों तक पहुंचता है कि हाँ ये चीजें ऐसी थी, पर वहीं पर कुछ लोग उसका विरोध में वो चीजों को बोलते हैं जो दिखाया जाता है कि इस तरीके से इसका ये था। पर मेनली अगर हम यहाँ पे ना बात करें वन आधारित नीतियों के बारे में, तो अंग्रेजी सरकार का मेन पर्पस क्या था कि आर्थिक तौर पर लाभ किस तरह से कमाया जा सके, वनवासियों को मेन धारा में कैसे लाया जा सके। मेन धारा का मतलब ही नहीं था कि मेन धारा में लाना है तो उसको एकदम पूरा अधिकार देना, ऐसा कुछ नहीं था। मेन ये चीज था कि अगर वो मेन धारा में आएंगे तो कृषि करेंगे, कृषि करेंगे तो हमें टैक्स मिलेगा, तो ये सारी चीजें रहती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करें आगे, तो यहाँ पे विद्वान भानु दिव्य भानु सिंह और महेश रंगराजन के द्वारा भी कहा जाता है
कि मानव तथा पशुओं ने पारंपरिक संबंधों पर प्रकाश डाला कि किस तरह से मानव और पशुओं का संबंध है। इनका कहना था कि किस प्रकार से कुछ विशेष प्रकार के जानवरों को सीधा निशाना बनाया गया इसके अंतर्गत, उसके परिणाम से उनका विलोपन हो गया, ठीक है, जानवर गायब होने लगे। इसका मुख्य कारण था कृषि विस्तार, साधारण दिखने वाली प्रक्रिया जो दूरगामी परिणाम के साथ में बड़े जानवरों के निवास स्थान को संकुचित होता था, ठीक है, जानवरों का भोजन प्राप्त करने वाला क्षेत्र सुखड़ता चला गया, मानव बस्तियों के आसपास आने वाले प्राय संपर्क हिंसक गतिविधियां में परिवर्तित हुआ। मानव पशुओं के अंतर संबंध तभी संकट पड़ा जब दोनों एक दूसरे के प्राकृतिक सीमाओं का उल्लंघन किया। अब यहाँ पे जैसे दिव्य भानु की बात करो या महेश रंगराजन की बात करो, तो इनका मेनली इन्होंने पूरे चीज को जोड़कर देखा जानवरों से, जिसमें बोला कि एक ह्यूमन का एक दायरा है, आप इस दायरे के अंदर में रहोगे तो वो आपके पास नहीं आएगा, जानवर जो आपके अंदर में नहीं आएगा दायरे को नहीं तोड़ेगा, और ना आप उसका तोड़ो, ये नॉर्मली होता है, जंगल में वो रह रहा है आप इधर रह रहे हो, पर जो आपका खेत है इतने बड़े में आप खेत में खेती कर रहे हो, पर उस जंगल को जब आपने काट कर जंगल को छोटा कर दिया, जानवर की जो घर है वो छोटा कर दिया, तो कहीं ना कहीं तो अपना भोजन की तलाश में वो आपके दायरे में घुसेगा ना, आपके एरिया में घुसेगा ना, आपके ऊपर हिंसक कार्रवाई करेगा ना, कई गतिविधियां आपको देखने के लिए मिलेगा ना, तो वो चीजें यहाँ पर इंट्रोड्यूस की गई दिव्य भानु के द्वारा में और महेश रंगराजन के द्वारा में ये चीजें बोली जाती है, ठीक है, समझ में आता है। आगे हम अगले टॉपिक के बारे में बात करें तो अगला हमारा टॉपिक आता है पूर्व औपनिवेशिक काल पर केंद्रित पर्यावरण साहित्य के बारे में, कि किस तरह से औपनिवेशिक काल के बारे में जो केंद्रित पर्यावरण साहित्य था वो कौन कौन से थे, किसके द्वारा क्या लिखा गया, इसके बारे में हम बात करते हैं। भारत में पर्यावरण के ऊपर में जो पर्यावरण जो चेतना है जिसके बारे में विचारधारा जो है, पूर्व औपनिवेशिक काल में विद्वानों ने व्यापक सर्वेक्षण किया, ठीक है, प्रॉपर तरीके से उसके ऊपर खुलकर बोला है। इन विद्वानों के द्वारा हाशिए पर विभिन्न प्रकार के सामाजिक वर्ग और पशु समाज, जनजातीय समाज, अखेट समाज आदि का अध्ययन किया गया, ठीक है, मतलब पूरी तरीके से जो भी समाज ऐसा था जिसका यहाँ पे कहीं ना कहीं पशुचारण समाज की बात करो, जो पशुपालक थे, पशुचारक थे, एक जगह से दूसरे जगह घूमते थे, जनजातीय समाज, जो जनजाति जो ऐसे रहते थे, आदिवासी लोग जो होते थे, अखेट समाज जो पूरी तरह से शिकार पे निर्भर थे, उन समाज का यहाँ पे अध्ययन किया, उसके बेसिस पे इन सब चीज लोगों ने, इतिहासकारों ने अपना विचारधारा व्यक्त किया। यहाँ पे विद्वान आते हैं रणवीर चक्रवर्ती करके, जिनका मानना था इनकी रचना थी प्रकृति और पर्यावरण, जिसमें इन्होंने प्राचीन काल को स्पष्ट किया कि प्राचीन काल की क्या व्यवस्था थी, किस तरह से चीजें चलती थी, उन्होंने इसके बारे में बताने की कोशिश करी, जो आज का कंडीशन था उससे कंपेयर किया प्राचीन काल को। जबकि कुछ विद्वानों ने सिंचाई व्यवस्था और निर्माण के रखरखाव, पारंपरिक जो ग्रामीण समुदाय था और उसकी भूमिका को उजागर किया कि किस तरीके से निर्माण होता है, किस तरह से रखरखाव होता है, सिंचाई व्यवस्था किस प्रकार की थी, उसको इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करी लोगों के सामने। और यहाँ पे विद्वान डेविड हार्डीमैन की अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे उनका लेख था जिसमें दक्षिण एशिया का पर्यावरण इतिहास लिखा, जिसमें उन्होंने बात किया कि अतीत में छोटे छोटे बांध वाले सिंचाई तंत्र मौजूद थे और वे समुदाय जो आधारित नियंत्रित व्यवस्था के अनुरूप लंबे समय तक क्रियाशील रहे उसके बारे में वो बात करते हैं। इस क्वेश्चन में मेनली बात की जाती है कि जो ब्रिटिश काल के शुरुआत से पहले पूर्व औपनिवेशिक काल, जो औपनिवेशिक जब हम गुलामी के दौर से पहले, कौन कौन से इतिहासकार थे जिसने इतिहास के अंदर में पर्यावरण से रिलेटेड चीजों को लिखा, तो यहाँ पे उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले आते हैं विद्वान, जो विद्वान की बात करोगे तो रणवीर चक्रवर्ती आते हैं विद्वान, जिसके अंदर में पर्यावरण और प्रकृति और पर्यावरण से रिलेटेड उन्होंने एक रचना करी थी, जिसके अंदर में किस तरह से ह्यूमन और प्रकृति का जो है ना, पर्यावरण और प्रकृति और पर्यावरण का रिलेशन है उसके बारे में बात किया और कंपेयर किया करंट और पीछे के जो चीजें थी उससे उन्होंने कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। वहीं पे डेविड हार्मन का भी, हार्डीमैन का भी यही है कि दक्षिण एशिया का जो पर्यावरण इतिहास है वो किस प्रकार का रहा, किस तरह से सिंचाई व्यवस्था थी उसके बारे में बात करते हैं। आगे आप बात करोगे तो यहाँ पे हरबंस मुखिया करके आते हैं विद्वान, इनका भी मानना था, इनकी एक रचना थी भारतीय इतिहास में सामंतवाद, इसके अंदर में मानव बस्तियां और सामाजिक संरचनाओं के ऊपर में जो पर्यावरण की भूमिका होती थी उसको इन्होंने स्पष्ट किया कि भारतीय इतिहास में सामंतवाद के अंदर में जो मानव बस्तियां थी उनकी सामाजिक संरचनाएं थी किस प्रकार से पर्यावरण के ऊपर में निर्भर थी, किस प्रकार से पर्यावरण के ऊपर में उनकी डिपेंडेंसी थी उसके बारे में इन्होंने बात करी। आगे हम बात करें तो इरफान हबीब और बर्टन स्टोन ने अपनी जो रचना थी भौगोलिक परिदृश्य और भारत, दक्षिण भारत के प्रदेश के कुछ सामान्य उत्पाद, उत्पादन और प्रारंभिक इतिहास के अंदर में मानव पर्यावरण के अंतर संबंधों के ऊपर में प्रकाश डाला, जो इंटर रिलेशनशिप होता है ह्यूमन और प्रकृति का, नेचर का, उसके बारे में इरफान हबीब और बर्टन स्टोन ने बोलने की कोशिश करी, यहाँ पे उसके बारे में यहाँ पे प्रकाश डाला। आगे हम बात करते हैं तो मध्यकालीन भारत के अंदर में मानव पर्यावरण अध्ययन से एक प्रमुख प्रभाव भाषा अनाल प्रकाशन के द्वारा भी निकला। अनाल प्रकाशन है क्या, चलिए वीडियो ऑफ द क्वेश्चन में पूछना चाहूंगा आप सबसे,
अनाल प्रकाशन की विचारधारा है क्या, अनाल प्रकाशन की विचारधारा का मेन मतलब क्या है, क्या निकलता है, ये आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, अनाल प्रकाशन मध्यकालीन भारत को जब आप स्टडी करोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि मानव और पर्यावरण से रिलेटेड एक विचारधारा खुलकर आया जो फ्रांस की विचारधारा थी, जो अनाल प्रकाशन के नाम से जानी गई। आगे आपको MHI 03 के अंदर में भी अनाल प्रकाशन के बारे में डिटेल से पढ़ने के लिए मिलेगा, और MHI 08 के अंदर में भी, MHI 09 के अंदर में भी आपको अनाल प्रकाशन के बारे में पढ़ने के लिए मिलने वाला है, डिटेल में आप समझोगे। इसके अंदर अंतर्गत क्या हुआ, इसके अंतर्गत क्या हुआ, सॉरी, भारत में इसको लोकप्रिय बनाने के लिए हरबंस मुखिया और मॉरिस अयम्मा ने के साथ में मिलकर फ्रांसीसी इतिहासकारों के लेखों को अनुवाद किया गया और लोगों के बीच में उसको उपलब्ध कराया गया। मतलब यहाँ पे अनाल प्रकाशन क्या था कि एक फ्रांस की विचारधारा थी कि किस तरह से क्या चीजें होनी चाहिए, मतलब एक प्रॉपर एक विचारधारा था, इतिहासकारों का समूह था अनाल प्रकाशन, जिसके अंदर में इतिहासकार खुलकर चीजों के ऊपर बोलते थे कि ये चीज ऐसी है, ये चीज ऐसा होना चाहिए, ग्रुप था, समुदाय था, ठीक है, उस तरीके से खुलकर बोलते थे। तो उनका जो ग्रुप का नाम था अनाल प्रकाशन के नाम से वो चलता था, ठीक है, अनाल स्कूल अनाल प्रकाशन के नाम से चलता था, इस तरीके से चीजें थी। साथ साथ में इन इतिहासकारों ने भारतीय पर्यावरण के ऊपर में ही बोला कि क्या चीजें कैसे है, और भारत के अंदर में जो हरबंस मुखिया की बात करो, मॉरिस एम्मा की बात करो, इन्होंने क्या किया, इसका लेखन का ना अनुवाद करके भारतीयों के लिए उपलब्ध करवाया कि देखो विदेश के अंदर में ये चीजें बोली जा रही है, ऐसी चीजें, ये चीजें हैं, पब्लिक डोमेन में इन्होंने रखने की कोशिश करी। भारतीय विद्वान चेतन सिंह, और तो उनकी रचना थी पश्चिम हिमालय की परिस्थितिक और किसान के बारे में, जिसके अंदर में अनाल परंपरा के प्रभाव को परिलक्षित होता हुआ उन्होंने दिखाया। उन्होंने पश्चिमी हिमालय के क्षेत्र में पर्यावरण और समाज के अंदर में जो मध्य संबंध है, इंटर रिलेशनशिप है, उसके बारे में स्पष्ट किया इन्होंने। ठीक है, उनका मानना था कि समाज और उसके भौगोलिक परिदृश्य के बीच में किस तरह से परंपरागत सुसंगत संबंध थे। ठीक है, किसी भी समाज के लिए ऐसी समझ के बिना लंबे समय तक जीवित रहना संभव नहीं था, ये उन्होंने बताने की कोशिश करी। विद्वान मयंक कुमार, ठीक है, यहाँ पे, और उनका लेख था मध्यकालीन राजस्थान में पर्यावरण और समाज के बारे में, इसके अंदर में मानव पर्यावरण के महत्वपूर्ण प्रकाश डाला कि मानव और पर्यावरण का क्या रिलेशन है, इसके बारे में यहाँ पे बताया। नॉर्मली आप जितने भी इतिहासकारों को पढ़ोगे ना पूर्व औपनिवेशिक काल से पहले तक, यहाँ पे कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली वो ह्यूमन की जो डिपेंडेंसी थी पर्यावरण पे वो किस प्रकार की रही है, उनका ह्यूमन का रिलेशन किस प्रकार से रहा पर्यावरण का, ठीक है, किस तरह से चीजें चल रही थी, किस तरह से डिपेंडेंसी है, किस तरह का रिलेशन है, उसके बारे में ही घुमा फिरा के बोला गया अलग अलग तरीके से, अलग अलग जगहों के लेकर यहाँ पे बोलने की कोशिश की गई है। तो मयंक कुमार वो भी सेम इसी तरह की चीजों को बोलते हैं, यहाँ पे परंपरागत समाज के अंदर में किस तरीके के कई प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग होता था, विवेकपूर्ण तरीके से किस तरह से उपयोग किया जाता था। उन्होंने राजस्थान के पारंपरिक समाजों और प्रकृति के दोहन का उदाहरण प्रस्तुत किया कि किस तरीके से आज के समय हम प्रकृति का दोहन कर रहे हैं, पर पहले के टाइम पे हम विवेकपूर्ण तरीके से प्रकृति का उपयोग करते थे, उसके बारे में बात किया। यहाँ पे विद्वान रामचंद्र गुहा की बात की जाती है, जिनकी रचना थी दक्षिण एशिया का पर्यावरण लेख स्वरूप संस्कृति और साम्राज्यवाद, जिसके अंदर में वो लिखते हैं कि प्रकृति मौसम स्थलकृत जीव जंतु कीड़े मकोड़े वनस्पति मृदा मानव और क्रियाओं के उत्पादन का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। देखिए इसमें इनका रामचंद्र गुहा की अगर बात करोगे तो प्रकृति के अंदर में मौजूद हर जीव जंतु है ना, जो कीड़े मकोड़े वनस्पति, वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पर्यावरण को इम्पैक्ट करता ही करता है। ठीक है, एक तरह से साइकिल चैन है जो हर तरीके से किसी ना किसी चीज को इम्पैक्ट करता है, उसके बारे में रामचंद्र गुहा बोलते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा ये वाला चैप्टर जो यूनिट लेसन 3 है आपका MHI 8 का यहाँ पे एंड होता है। बट रिक्वेस्ट ये करूंगा आप सभी व्यूअर्स से कि अगर आपको हमारी वीडियो वैल्यूएबल लगती है तो आप लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। डिस्क्रिप्शन के अंदर में हमारे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिंक हैं, वहां पे भी आप जाकर लाइक से सब्सक्राइब कर सकते हो। आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, वीडियो मिलती रहेंगी, और आप अच्छे से नंबर ला पाओगे, अच्छे से पढ़ोगे, अच्छे नंबर आएंगे आपके। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, नोट्स चाहिए गूगल ब्लॉगर या फिर क्वेरा पे जाकर आप नोट्स ले सकते हो, वहां से भी आप स्टडी कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन के अंदर में लिंक दिया हुआ है। और अब से हमारी जो वीडियो है वो फेसबुक पे भी आपको मिलने वाली है, तो आप डायरेक्ट फेसबुक पेज पे भी जाकर हमें सब्सक्राइब कर सकते हो, वहाँ पे फॉलो कर सकते हो, लाइक कर सकते हो पेज को। वहाँ पे भी आपको टाइम टू टाइम आपका जो भी वीडियो जो यूट्यूब पे डाल दी जाती है वीडियो, सेम वीडियो आपको रिलेटेड आपको फेसबुक पेज पे भी मिलने वाला है। तो चलिए वीडियो यहाँ पे मैं एंड करूँगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग मी, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।